अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ायज़ा मोमिन, लाइफ ऑफ एफ यू एन में आपका स्वागत है। होप यू आर डूइंग वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज फाइनली हमें बहुत दिन से जिसका इंतज़ार था वो आ गया है। सो आपको मैं बताऊंगी, आपको थोड़ा सब्र रखना है और आपको मेरी वीडियो देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आज फाइनली हमें किस चीज़ का इंतज़ार था और क्या आ गया हमारी मच नीडेड चीज़। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन टिंग दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओ माय गॉड गाइस, लुक एट दिस, सच अ ह्यूज इगुआना, इट्स ग्रीन इन कलर। इगुआना इतना नहीं डरना है, मेरे को भी डर लगती है। ओ माय गॉड, कस्टम ऑफिस। यू वोंट बिलीव कि ये लड़के ने पूरे रात नहीं सोए है। ही इज जस्ट लाइक ही एम वेरी अनकम्फर्टेबल। मुझे कल बस निकलना है, जाना है, लाना है। मतलब हाउ कैन समवन बी सो 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 डेस्परेट अबाउट हिज थिंग्स। यार हार्डली रमज़ान महीना है एंड पूरी रात हम नहीं सोते हैं, इबादत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, सहरी करते हैं, फजर पढ़ते हैं। फिर फजर पढ़ने के बाद फौरन तो नींद नहीं आती है, फिर लाइक आराम से थोड़ा नींद आती है सुबह 6-7 बजे तक में। इंसान सुबह 6-7 बजे सोया है और इन्होंने मुझे 9 बजे उठा दिए है कि उठो उठो उठो, जाना है जाना है जाना है जाना है। माई गॉड, और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है अभी रोज़ा लग जाएगा। बट फॉर हिम, चलिए हम दिखाते हैं नौफिल का। नौफिल, रोज़ा वोज़ा हो कि नहीं? तो फिर ना सो रहे हो ना अच्छे से खा रहे हो, इतनी तपती धूप में लेकर आ गए हो। वहाँ पर एक तो आइलैंड की गर्मी, ऐसा लगता है सन हमारे टकले के ऊपर ही एग्जैक्टली एकदम नीचे। कस्टम ऑफिस आए हैं कुछ क्लियरेंस करने, और कस्टम ऑफिस पहुँचते ही साथ जोहान को दिख गई पैकेट और जोहान को लग गई भूख। तो हम यहाँ ले रहे हैं जोहान के लिए कुछ पैकेट्स। नौफिल, यस, प्राइवेट जेट क्यों ले रहे हो? इंशाल्लाह वो भी ले लेंगे। इंशाल्लाह, आमीन। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, राइट? कौन लड़का इतना कार के लिए रेडी होता है? आई तो डोंट नो यार। रिच पोर्ट अथॉरिटी ऑफ केमिन आइलैंड बिलिंग ऑफिस, लेट्स सी। And finally the car arrived. Dada, oh Dada, look at here, कितनी खुशी। God. So ये car deliver हुई है all the way from Japan. और ये Japanese में कुछ लिखा है, तो आपको अगर समझ रहा है तो मुझे comment में बताओ। तो फाइनली लड़के की गाड़ी आ गई।
बहुत बहुत मुबारक, मुबारक मुबारक मुबारक। रोना बंद हुआ आपका? बहुत अच्छे से। क्या इतनी गाड़ी गाड़ी लगाए थे, आ गई ना, बोली ना आ जाएगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी कार है। क्या नाम है कार का? होंडा फिट। होंडा फिट। सो कहाँ से लाया आपने गाड़ी, मंगाए? जापान। ऑल द वे फ्रॉम? ऑल द वे फ्रॉम जापान। कैसे आई जापान से? जापान से इंपोर्ट कर पाया हूँ मैंने। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया जापान से। एंड किसके थ्रू आई? किसके थ्रू आई? एक कंपनी, एक जापान कार डायरेक्ट, वहाँ ऑक्शन होता है तो वहाँ पे बिडिंग किया। डिलीवर कैसे हुई यहाँ तक? शिप से। शिप से, वाह। मतलब आइलैंड में ले गए तो 40 डेज लगा है। 40 डेज नौफिल का रोना चला था कि मेरी कार कब आएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी है यहाँ पे, मतलब लाइक यू हैव टू मूव देन यू नीड अ कार, अदरवाइज यू आर स्टक एट वन प्लेस। एग्जैक्टली, ना ऑटो है, ना कैब है, ना कुछ है, या तो पैदल जाओ या तो खुद की गाड़ी रखो। तो इसलिए नौफिल का बहुत रोना था। अब माशाल्लाह से नौफिल की गाड़ी आ गई है और अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। नाइस। हैप्पी ना यू आर? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी। तो पार्टी कब दे रहे? रमजान बाद। पक्का? पक्का पक्का पक्का। ओके नौफिल, क्या हम इंडिया भी इम्पोर्ट कर सकते हैं क्या कार्स? यस यस, घर वापसी के टाइम मैं सोचा हूँ कि सॉरी देश वापसी के टाइम मैं एक कार इम्पोर्ट करूँगा जापान से। या जापान में अच्छी कार्स होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, लोग अच्छे हैं वहाँ के। हम लोग ने पढ़ाई में भी जापनीज़ के कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़े थे MBA के टाइम। सो जापान, जापनीज़ आर नोन फॉर देयर क्वालिटी। तो देखो इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, देखो एकदम, मतलब एकदम मेंटेन कार है। एंड प्लस वहाँ पे एवरी 2 ईयर्स में इंस्पेक्शन होते रहता है कार्स का, कि उसकी वर्दीनेस चेक करने के लिए कि गाड़ी रोड पे चलने लायक है कि नहीं। तो हम लाइक इंडिया में बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनफैक्ट वो लोग बहुत स्ट्रिंजेंट है इन टर्म्स ऑफ वर्दीनेस ऑफ द कार क्वालिटी। अच्छा। समझ गए, बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया लड़के ने। ऑर्डर करना पड़ेगा लग रहे हैं। इंडिया में कर सकते हैं ऑर्डर? तो इंडिया में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जापान लोग ला के देंगे? कैसे लाएंगे लोग? शिप से ही लाएंगे कि बाय प्लेन? लाएगा नहीं, चलता है कि ऑर्डर एंड देन यू गेट इट डिलीवर्ड। जैसे हम जो कुछ ऑर्डर करते हैं Amazon से घर पे डिलीवरी हो जाती है, तो सेम वे हम कार ऑर्डर कर सकते हैं ऑप्शन प्रोसेस के थ्रू। जमाना कहाँ से कहाँ चले गया है, मेरे को तो नहीं पता था। मेरे को फर्स्ट टाइम पहले से ये सब कर रहा है, हमें नहीं पता थी ये चीजें, हमें अभी पता चल रही है। मुझे भी नहीं पता था जब मैं इंडिया में था, अब यहाँ आके सब पता चल रहा है कि बहुत कुछ है सब। मैं तो क्या पापा को भी डिलीवर करवा देने का? देखो गाड़ी दिखाओ बाहर से। ओके ओके। तो मैं यहाँ मस्जिद के लिए कुछ अफ्तारी बना रही हूँ। मैंने स्पेशली मस्जिद के लिए बनाई हूँ रशियन कबाब, और मैंने कुछ दही वड़े या दही बल्ले, क्या आप लोग बोलते हो, हम तो दही वड़े बोलते हैं, दही वड़े बनाई हूँ, और बनाना केक। मैंने ये सब चीज़ मस्जिद में बना के लेके जा रही हूँ आज। आप लोगों को भी अगर जानना है तब कि मतलब कैसे ऑर्डर करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस, सो लेट मी नो, लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड चलो अब जाते हैं हम लोग इफ्तार के लिए। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।